गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा बड़ा निकल कर आ रहा है। वीडियो का टाइटल है जब ऐसा टाइम था मतलब भारत 7 दिन तक पाकिस्तान को ठोकता रहा। अच्छा। ये वीडियो का टाइटल है। वीडियो आज करते अब ये देख ही पता लगेगा। बिल्कुल, तो काउंट करते हैं स्टार्ट। भारत पाकिस्तान के बीच यूं तो कई युद्ध हुए। हाँ ये तो है। दोनों देशों के बीच में एक युद्ध ऐसा भी हुआ है जिसकी जवाबी कार्यवाही करने में भारत ने जरा भी देर नहीं लगाई। अच्छा। ये लड़ाई थी साल 1971 की। पाकिस्तान ने मौका पाकर लोंगेवाला में भारत को खेलने की साजिश रची, लेकिन वो भूल गया था कि युद्ध में इससे पहले कभी भी उसकी जीत नहीं हुई। अच्छा। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। इस लड़ाई के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। ये बात साल 1969 की है, जब ब्लिट्स नाम के एक भारतीय अखबार ने इंडियन नेवी के एडमिरल एसएम नंदा का इंटरव्यू छपा। उन्होंने कहा कि कराची को मैं अपनी हथेली की तरह जानता हूँ, और अगर मिले तो इंडियन नेवी कराची में बने फोर्ट को नेस्तनाबूद कर सकती है। चूंकि एडमिरल नंदा उस वक्त नेवी चीफ बनने की कगार पर थे, इसीलिए उनका किसी अखबार के लिए क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद उनका प्रमोशन भी रोका जा सकता था। लेकिन इसके पीछे की असलियत कुछ और ही थी। दरअसल एसएम नंदा नौसेना की सरकार और दुनिया की नजरों में उसकी पुरानी वाली इमेज को बदलना चाहते थे। इसके पीछे वजह थी 1965 का युद्ध, जब नेवी को अपने बॉर्डर से सिर्फ 200 नॉटिकल माइल यानी 370 किलोमीटर से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये वो वक्त था जब नौसेना को सिर्फ व्यापार और कोस्ट की सेफ्टी के लिए यूज किया जाता था। लेकिन 1971 में हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध ने इंडियन नेवी की इमेज को बदल के रख दिया। उस वक्त इंडियन नेवी के चलाए गए ऑपरेशन एक्स 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के धागे को। अच्छा। दरअसल 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद रक्षा मंत्रालय को एहसास हो चुका था कि भारतीय नौसेना को और मजबूत करने की जरूरत है, जिसके बाद इंडियन नेवी के कैप्टन के नैयर के साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का दल मास्को पहुंचा। दोनों देशों के बीच एक लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद मास्को के एडमिरल गोर्शकोव ने कहा कि वो भारत की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार। अच्छा। बता दें कि उस वक्त मास्को सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ मिसाइल बोट खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा। जो भारत के लिए एक अच्छी खबर थी। इस दौरान जब मॉस्को में इंडियन नेवी के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, तब कैप्टन के नैयर ने अपनी टीम से पूछा कि क्या इन मिसाइल बोट का इस्तेमाल करके डिफेंस की जगह अटैक करने में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जवाब में कहा गया कि इन बोट्स में स्पीड तो है, लेकिन इन्हें लंबी दूरी तय करने के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया। लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। स्पीड तेज होने की वजह से इनमें जरूरत से ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा। यही वजह थी कि इन्हें 500 नॉटिकल माइल से आगे नहीं ले जाया जा सकता है। इसके बाद साल 1969 में सोवियत संघ के नेवी चीफ गोर्शकोव ने भारत का दौरा किया। अच्छा। रक्षा मंत्रालय की नेवी को मजबूती के लिए उसमें और सबमरीन शामिल करने का सजेशन भी दे डाला। अच्छा। जिसकी मदद से भारत ने 71 के युद्ध में पाकिस्तान को वो चोट दी जिसके लिए इंडियन नेवी को आज भी याद। अच्छा। किया जाता है। साल 1971 में इन बोट्स को सोवियत संघ से भारत लाया गया। अच्छा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर मिसाइल बोट का वजन लगभग 180 टन। इन मिसाइल बोट्स के भारत आने के बाद सबसे जरूरी था इनसे युद्ध का अभ्यास करना, क्योंकि दो देशों के बीच होने वाली ऐसी लड़ाई में किसी को भी दूसरा मौका नहीं मिलता। ये बात इंडियन नेवी के जवान अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए पहले युद्ध जैसे हालात बनाकर इन बोट से रडार से अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने की जमकर प्रैक्टिस की गई। इस दौरान जब नेवी के कुछ बड़े अधिकारियों ने इन बोट्स में मौजूद रडार की मदद से मिसाइलों को सटीक निशाना लगाते हुए देखा, तो वो हैरान रह गए। जिसके बाद इंडियन नेवी ये फैसला कर चुकी थी कि अगर पाकिस्तान से किसी भी समय युद्ध होता है तो इन मिसाइल बोट का यूज डिफेंस के बजाय अटैक करने में किया जाएगा। अच्छा। पाकिस्तान के लोंगेवाला में इंडियन आर्मी के पोस्ट पर हुए हमले का बदला लेने के लिए 4 दिसंबर 1971 की रात को 3 मिसाइल बोट कराची की तरफ भेजी। अच्छा। जिनका नाम निपात, निर्घट और वीर था। उधर पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान का जंगी जहाज PNS खैबर अपनी पोस्ट की सेफ्टी के लिए गश्त लगा रहा। अच्छा। ये वही पोत था जिसने 1965 युद्ध में नौसेना के द्वारका बेस पर हमला किया। अच्छा। देर रात 10:15 पर खैबर को पता चल गया कि भारत की बोट्स उस पर हमला करने के लिए आ। अच्छा। बिना देर किए पाकिस्तानी जहाज भारत की बोट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, और जब खैबर इंडियन नेवी की मिसाइल बोट की रेंज में आ गया तो बिना देरी किए निर्घट से उस पर पहली मिसाइल। अच्छा। इस पर खैबर ने भी जवाबी कार्यवाही हमला करना शुरू किया। चूंकि इंडियन नेवी की इन बोट्स में लगे रडार से किया गया मिसाइल का हमला इतना सटीक था
कि उसके खैबर से टकराते ही उसके बॉयलर रूम में आग लग गई। लेकिन इतना काफी नहीं था क्योंकि इंडियन नेवी पाकिस्तान को संभलने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी, लिहाजा दूसरी मिसाइल दागने का आदेश दिया गया। जिसके कुछ देर बाद खैबर से जोरदार धुआं निकलने लगा और वो देखते ही देखते समुंदर के गहरे पानी में डूब गया। इसके बाद लगभग 12 बजे के आसपास इंडियन नेवी की मिसाइल बोट निपात का सामना एक और पाकिस्तानी जहाज से हुआ। निपात ने एक के बाद एक दो मिसाइल दागी जिसके बाद उसमें से धुआं निकलने लगा। लंदन के रॉयल रजिस्टर ऑफ शिपिंग से पता चला कि इस बोट का नाम MV वीनस चैलेंजर था जो अमेरिकी हथियार लेकर पाकिस्तान जा रहा था। इसके बाद इंडियन नेवी के तीसरे जंगी जहाज वीर ने 11:20 पर एक और पाकिस्तानी बोट PNS मुहाफिज को अपनी मिसाइल का निशाना बनाकर उड़ा दिया, जिसकी लपटें अगले 70 तक आसमान में दिखाई देती। वहीं पाकिस्तान की तरफ जाने वाली इन मिसाइल बोट्स को पहले आदेश दे दिया गया था कि कराची के पोर्ट्स को तबाह करने में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। वहीं INS निपात को अपने रेडार पर अब पाकिस्तान की किमारी तेल टैंक दिखाई देने उनकी रेंज में आए तो बिना देर किए उन्होंने इन टैंक पर मिसाइल दाग दी। इतना ही नहीं, कराची की बर्बादी के लिए ऑपरेशन पायथन के नाम से अभी एक और हमला किया जाना था लेकिन उसे खराब मौसम देखते हुए पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन 2 बाद मौसम के साफ होते ही 8 को एक और मिसाइल बोट जिसका नाम विनाश था उसे भेजा गया, जिसने पाकिस्तान में तबाही का ऐसा मंजर रचा जिसे देखकर यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये वही भारतीय नौसेना है जिसका 1965 के युद्ध में ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था। वहीं किमारी तेल टैंक में लगी आग की बात की जाए तो 60 मील दूर से भी इसे देखा जा सकता था। जानकर हैरानी होगी, कराची तेल टैंक में लगी आग को 7 तक कई कोशिशों के बाद भी बुझाया नहीं जा सका। अगले दिन जब नुकसान पहुंचाने के लिए एयरफोर्स उस एरिया में पहुंची तो पता चला कि एशिया का सबसे बड़ा बॉनफायर था। पाकिस्तान को हुए नुकसान का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि धुएं की वजह से अगले 3 तक वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाई थी। इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तानी नौसेना इतनी डरी हुई थी कि उसने अपनी सीमा के बाहर मौजूद सभी जंगी जहाजों को वापस पीछे की तरफ खींच लिया। वहीं इसके बाद इंडियन नेवी का अरब सागर पर पूरी तरह से कब्जा हो गया था और अब कराची की सीमा से इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के बिना किसी को अंदर और बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद जब एडमिरल गोर्शकोव ने पाकिस्तान की तबाही के मंजर को देखा तो बहुत खुश हुए क्योंकि उनके द्वारा दिए गए डिफेंस के लिए ये हथियार इतनी भारी तबाही मचा सकते हैं इसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इनका निजाम तो दोस्तों क्या आपको इस इंडियन नेवी की वीर गाथा के बारे में पता था? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके यार इधर ये वीडियो खत्म। यार देखो जंग जंग होती है उसके अंदर फिर जो हो वो बाद में भी लिखा जाता है। आप बेशक हम भी किया है जिस भी किया आप जो लिखा हुआ उस पर बात करते हैं। यार मतलब कि हमारे इतना बड़ा जहाज था उसने हमला किया इन पे लेकिन वो मिस हो गया लेकिन वो रेडार के थ्रू उनकी शिपों ने किया भाई वो डायरेक्ट हमारे बड़े जहाज पे दो मिसाइल उसको लगे वो डूब गया और फिर दो और अब हमारी आगे शिपें आई उनको भी इन्होंने मार दिया क्योंकि उसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी भाई। फिर वो जहरी बात है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क सारे कराची का हाल देखा बंदरगाह का ऑयल टैंक को उड़ा दिया था यार। मतलब 7 तक वहाँ पर आग लगी रही है सूरज भी नहीं निकला और वो कह रहे हैं कि ये मतलब धमाका जो नहीं होता एक सही आग निकलती है एशिया का सबसे बड़ा वो हुआ ये हमें चीज पहले पता नहीं थी आज पता चली वही ना। और देखे ना किस तरह प्लान की जारी बात 1971 में जो जंग हुई बांग्लादेश अलग हो गया दुश्मन होते हैं वजह ये उससे हमारे लिए इंडिया था इंडिया के लिए हम दे जारी बात है एक दूसरे की मतलब प्रोटेक्शन अटैकिंग हर चीज करनी पड़ती है। ये उनका कमाल था ना ये जो नहीं है गोरे वो जो मॉस्को के अंदर डीले मिली हुई है और कितने खुश हुए भाई के भाई जबरदस्त हमारी उनका प्लान था ना भाई के मतलब हमारी चीजें बहुत जबरदस्त चली है इंडिया ने जो खरीदी है भाई उनका एक खरे तरीके से इस्तेमाल इन्होंने किया और भाई जबरदस्त वाह हो गई है यार। बस अब वही बात है पुरानी चीज हो गई अब जंगों में तो बंदे को पढ़ना ही नहीं चाहिए लेकिन ये है कि बहुत बड़ी तबाही की थी इंडिया ने वाकई में सुनने में आया था कि भाई बहुत तबाही अटैक हुआ था बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया हुआ था। तो ये सही हुआ है कि आबादी पे कोई आबादी पे नहीं मस्ती है इस तरह नहीं करते कोई भी इंडिया नहीं करता वॉर के दौरान ही आबादी पे नहीं मस्ती होती है मतलब ऐसी चीजें होती है एसेट्स होते हैं ना उधर टारगेट करते जाके बस कंट्री को नुकसान हो। तो यार आप लोग बताएं आपके कहते हैं इस वीडियो के बारे में इधर वीडियो खत्म करते हैं बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो बाय।